वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग भगवत गीता का पाठ करेंगे, तीसरे अध्याय का। अभी हमने गीता के जो शांति मंत्र जिसे बोलते हैं मंगलाचरण, वसुदेव सुतम देवम कंसचानुर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को हमने प्रणाम किया। अब तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर। हमारा प्लान ये रहेगा इन क्लासेस में जितना हो सके, याद रखिए गीता में तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय ये कर्मयोग है। एक है कर्मयोग, दूसरा है कर्म संन्यास योग, और तीसरा जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो तीन चैप्टर हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य है कर्मयोग। और कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अधिकांश कर्मों के योगी में ही लगे रहते हैं, सुबह शाम हम कर्म में लगे रहते हैं। ध्यान इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन क्लासेस में जितनी भी क्लासेस होंगी कर्मयोग का जितना पोर्शन होगा उसको खत्म करने का प्रयत्न करें। तो हम सीधे ही प्रारंभ कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि पिछले सेशन में हमने सेकेंड चैप्टर का लास्ट पोर्शन किया था। सेकेंड चैप्टर में आखिरी के 18 श्लोक, 54 श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक, ये श्लोक है जिसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ दर्शन। इसमें अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो कैसे उठता बैठता चलता बातचीत करता है, और भगवान उसको बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसलिए हमने वो 18 चैप्टर्स को अलग से क्लास ली थी। जब अर्जुन ने ये सब चीजें सुनी, स्थित प्रज्ञ की बात सुनी, तब उसके मन में प्रश्न उठा, और अर्जुन उस प्रश्न को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, भगवान से पूछते हैं। मैं बोलूंगा, आप पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच, जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या कहा, हे जनार्दन। जनार्दन यानी मानवों के पापों का नाश करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण, हे केशव, केशव यानी केशी नामक एक राक्षस का नाश करने वाले अर्जुन, भगवान आप सबका, बुरी चीजों का नाश करते हो, ऐसे आप श्रेष्ठ मानव भगवान, हे भगवान केशव, आप क्या, आपके मत में मता ते मता, आपके मत से बुद्धि चेत कर्मणा जायसी, अगर जो बुद्धि है वह कर्म से श्रेष्ठ होवे तब किम, तब फिर आप घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं। अब इसको समझ लेना। अर्जुन कहते हैं कि यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कर्म करो कर्म करो, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम। क्या कहते हैं, मैं बुद्धि, मेरी बुद्धि को आप व्यामिश्रेण वाक्येन, मिले हुए से कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस के द्वारा मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हो, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मिले हुए कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस से आप मेरी बुद्धि को, मेरे विचार को, मेरे चिंतन को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को आप कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए निश्चित रूप से एकम वद, एक बात कहो,
जिससे ये नहीं, यानी जिससे अहम श्रेय आपनुयाम, मुझे श्रेय हो मेरा कल्याण। उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मुझे कल्याण का प्राप्त हो। अब ये क्या बात हुई, अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ क्यों? जिन लोगों ने भगवत गीता का सेकंड चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है वहां बताएंगे। 29 श्लोक सेकंड चैप्टर। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे द्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म पंथम प्रहर्षसि। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे सांख्य बुद्धि बताई, अब तू कर्म बुद्धि सुन, उस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। मिला 29 सेकंड चैप्टर 39। ये मैंने तुझे सांख्य की बुद्धि बताई, अब मैं तुझे कर्म की बुद्धि बताता हूँ, योग की बुद्धि बताता हूँ, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाए। तो भगवान यहाँ पर किसका इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? बुद्धि को, बुद्धि को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। किस एटीट्यूड से, किस दृष्टिकोण से हमें कर्म करना चाहिए? तो पहले कहा था सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि का अर्थ होता है, उन्होंने बताया, आत्मा और जीव का, शरीर और शरीरी का बल विवेचन। कहा कि देखो ये शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है, वो मरती नहीं है। ये सारा उन्होंने आगे बताया और कहा कि इसलिए तुम सुख दुख को समान करके, लाभ अलाभ समान करके और तुम युद्ध करो। ऐसा कह के बाद में भगवान कहते हैं कि इस बुद्धि से तुम मुक्त हो जाएगा। देही नित्यो अवध्येयम् देहे सर्वस्य भारतः, तीसरे श्लोक में कहा है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न संशोचितुमर्हसि। ये जो देह है, इस देह के अंदर जो देही है वो कभी नहीं मरता है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्म को देख करके तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो ये सांख्य बुद्धि क्या बताती है कि ये शरीर और शरीर मन बुद्धि इत्यादि जो है ये तो गुणों से बने हुए हैं, ये तो मरने वाले नष्ट होने वाले हैं, आत्मा अमर होगी, इससे तू चिंता मत कर और अपना युद्ध कर। ये क्या हुआ? एटीट्यूड, दृष्टिकोण। फिर भगवान को लगा कि ये दृष्टिकोण तो सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण है, जिससे हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, हम शरीर नहीं समझते, फिर हमें मरने का भय नहीं रहता। लेकिन अर्जुन को शायद ये समझ में नहीं आ रहा, कठिन है। अगर आपको हम कहें कि आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो, तो ठीक बात हम ग्रास नहीं कर सकेंगे, इंटेलेक्चुअली भी, बुद्धि की दृष्टि से भी ग्रास नहीं कर सकेंगे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तुझे मैं अब योग बुद्धि बताता हूँ। योग बुद्धि यानी कर्मयोग का विद्युत, एटीट्यूड विद विच वन मस्ट डू वर्क। जिस दृष्टिकोण से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए वह दृष्टिकोण मैं तुझे बताता हूँ। और फिर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि करो, यानी फल त्याग करके, योगस्थ गुरु कर्माणि, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर तुम कर्म करो। और क्या कहा? फलम त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धि युक्तानि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। फल की इच्छा को त्याग करके यह सोचो कि तुम कर्म नहीं कर रहे हो, इस प्रकार तुम यदि कर्म करोगे, क्या कहा देखिए 47 में, देखिए सेकंड चैप्टर के, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग बार बार बोलते हैं, मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसमें उन्होंने कर्म बुद्धि बता दी। एटीट्यूड क्या होता है कर्म करने का? कर्म करने का तुझे अधिकार है, तुझे फल में कोई अधिकार नहीं है। कर्म का फल को तुझे अधिकार नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। हम सब कर्म करें और कर्म के फल को नहीं चाहना, बड़ा डिफिकल्ट है। और कर्म के फल के हेतु से कि मुझे नाम यश मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, इस दृष्टिकोण से तुम कर्म मत करो और असंग अकर्म मत करो। ऐसा मत करो निश्चले बैठ जाओ, कर्म नहीं करेंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल कर्म करेंगे नहीं, ऐसा भी मत करो। पूरा कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से मत करो, अकर्म मत करो। ये हुआ कर्म बुद्धि, योग बुद्धि। तो भगवान इंपॉर्टेंस किस चीज को दे रहे हैं? बुद्धि को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, समझे ना? बुद्धि का अर्थ है एटीट्यूड,
द वे आई विच वर्क विद द एटीट्यूड विद विच मेरे को करना है, जिस दृष्टिकोण से कर्म करना है। तो अर्जुन अब प्रश्न करता है कि आप जब बुद्धि को महत्व दे रहे हैं, 66 श्लोक में भी कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, वह सब जगह बुद्धि बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन के मन में यह आया कि जब बुद्धि महत्वपूर्ण है तो कर्म क्यों करूं, बुद्धि ही महत्वपूर्ण है तो कर्म क्यों करूं। कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन की बात नहीं है, अब थोड़ा सा सोचो, कंफ्यूजन की बात नहीं। और क्यों हुआ कंफ्यूजन? क्योंकि उसका मन जो है वो तो कर्म छोड़ के भागने के लिए बैठा हुआ है, अभी भी उसका मन कर्म नहीं करना चाहता, वो तो छोड़ के भागना चाहता है। अभी भी डर लग रहा है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। पहले कह दिया था जंगल में जाके भिक्षा मांगूंगा और भगवान ने कहा इतना चुप करना पड़ेगा कर। तो अभी भी याद रखिए इस हम लोग की सबकी कंडीशन, अगर हमारे मन में पूर्वाग्रह हो, जिसे आप कहते हैं प्रीकंसीव नोशंस, हमारे मन में कुछ पूर्वाग्रह है ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, तो कोई आदमी बात समझाए तो भी हम समझ में नहीं समझे। हम हमारी बात बार 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 कहते रहे, सारी बात समझा दी लेकिन फिर भी नहीं समझ में नहीं आए। अरे तुम समझना ही नहीं चाहते इसलिए सब कहते हो समझ में। तो इसलिए अर्जुन के मन में अभी भी प्रॉब्लम होगी। एक दूसरा इंटरप्रिटेशन इन दो श्लोकों का जो भगवान अर्जुन पूछ रहा है उसका ये है कि बुद्धि से अर्जुन को लगता है सांख्य योग, ज्ञान की दृष्टि, आत्मा अनात्मा का ज्ञान। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, वेदांत में इस ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया जा रहा है। वहां कहते हैं कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। और ज्ञान का अर्थ है अपने शरीर में शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और मैं ब्रह्म हूं। यह जो एटीट्यूड है, विचार है, इसको कहते हैं सांख्य योग, सांख्य बुद्धि, इसी को बुद्धि नाम ज्ञान। तो अर्जुन कहता है कि जब ज्ञान महत्वपूर्ण है तो मुझे कर्म में क्यों लगा। इसके ऊपर शंकराचार्य ने बहुत विस्तार से विचार किया, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पंडितों ने, अपने बाल गंगाधर तिलक ने भी इसके ऊपर बहुत विचार किया कि ये कर्म की बुद्धि, कर्म क्या है, ज्ञान बुद्धि क्या है, अर्जुन कर्म और बुद्धि क्या बता रहा है इत्यादि। लेकिन यहाँ पर भगवान को अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन को भगवान क्या कहता है, कहता है कि आप कहते हैं बुद्धि जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने भगवान ने कहा था व्यामिश्रे नाक्य ने, यानी उत्तिष्ठत युद्धाय, युद्ध में लग जाओ। फिर भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम अच्छिच्य, बुद्धि की शरण में जाओ। एक तरफ तो आप युद्ध करने में लगाते हैं, दूसरी तरफ मुझे बुद्धि की शरण में जाने को बोलते हैं, और कहते हैं निस्त्रैगुण्य बन जाओ, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, वेदा त्रिगुणात्मक होते हैं तुम निस्त्रैगुण्य बन जाओ, तीन गुणों से परे जाओ और बुद्धि की शरण में जाओ, और दूसरी तरह युद्ध में लगाते। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। अब कहता क्या है कि घोर कर्म में, घोरे कर्म नहीं मामले हो जैसी, इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो। तो कौन सा कर्म? युद्ध का कर्म। तो युद्ध का कर्म तो भाई घोर है ही, है ना, मारना काटना भयानक, घोर इन्हें हॉरिबल टेरिबल, लेकिन योग क्षत्रिय का धर्म है, उसके लिए तो स्वाभाविक है। अच्छा ये बताइए और भी कोई कर्म है जो घोर नहीं है? मैं तो यहाँ सेक्रेटरी का काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितना घोर कर्म है कि नहीं। आप लोग संसार में हैं, इनसे पूछ लीजिए, संसार गृहस्थी चला रहे हैं, कितना घोर कर्म है मालूम है ना। आप सभी को एक अनुभव होगा कि संसार में जो भी कर्म करेंगे वो बड़े घोर कर्म है, बड़े मुश्किल के कर्म है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड कर्म है। उसमें ये तीन गुणों का खेल, लोगों के विभिन्न प्रकार के टेम्परामेंट, लोगों से मिलना जुलना, उनको साथ में रखना, किसी को अप्रसन्न नहीं करना इत्यादि, और कर्तव्य पालन करना, ये बहुत कठिन है कि नहीं। तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ठीक से समझ सकते हैं। क्यों? अगर युद्ध की ही बात होती तो बात चल जाती, लेकिन यहाँ पर हम सभी को संकेत करके, और अर्जुन हम सभी की तरफ से पूछ रहा है, वो कहता है कि इस घोर कर्म में, संसार कर्म में जो सो कॉल्ड कर्तव्य कर्म है, हमारे जो
निश्चित कर्म है उनमें आप घोर कर्म है इसमें क्यों लगाते हैं। इसमें कर्म में चंचलता होती है, ये सोचना वह करना प्लान करना पड़ता है, बहुत से विचार एक साथ आते हैं, उसके बाद में विषयों का स्पंदन रहता है, इन सारी बातों से कर्म बढ़ा जाता है। और अगर जब कहा गया कि लक्ष्य क्या है, स्थित प्रज्ञ होना, स्थित प्रज्ञ होना यही तो लक्ष्य है ना, वो स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, तो जो किसी प्रकार से मन जिसका विचलित नहीं होता यही जब लक्ष्य है तो फिर इतने कर्म में जो बिल्कुल विपरीत है उसमें क्यों लगा। अच्छा, अब जैसा मैंने अभी कहा था भगवान अर्जुन उसको और भी क्या कहते हैं, व्यामिश्रे नैव वाक्येन बुद्धि मोहयसि इव मानो, ये इव शब्द है यहाँ पर दूसरे श्लोक में देखिए, व्यामिश्रेण मिले हुए वचनों से, मिले हुए से एज इफ इव मिले हुए वचनों, मानो मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अर्जुन जानता है कि भगवान मुझे मोहित नहीं करेंगे, मैं ही भगवान की बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा मन में विमिश्रण हो गया है। मानो मानो भगवान तो साफ ही बोल रहे हैं, मैं तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए आप स्पष्ट रूप से मुझे बताइए, आप मुझे, आप मेरे प्रिय चाहने वाले हैं, कल्याण चाहने वाले हैं, आप मेरा कभी भी अकल्याण नहीं चाहेंगे, इसलिए आपके वाक्यों से मुझे मानो लग रहा है, ये मानो है सिर्फ, इसलिए कहते हैं कि आप मुझे स्पष्ट बताएं। ठीक है, अब तीसरा श्लोक देते हैं। अर्जुन की विशेषता है कि वो स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान आप तो मुझे कंफ्यूज नहीं करेंगे, मेरी ही दुर्बलता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए ये न जिससे श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, मुझे कल्याण प्राप्त, कल्याण हो मेरा, बाकी लाभ और कुछ नहीं, मेरा कल्याण हो ऐसी बात करिए, श्रेय प्राप्नुयाम कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान ने क्या कहा, पुरा हे अनग, अनग यानी पाप रहित निष्पाप, बड़ा अच्छा वर्ड है, अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं तुम निष्पाप हो, और जो निष्पाप व्यक्ति ही वही है ज्ञान का अधिकारी। तो हे निष्पाप अस्मिन लोके इस लोक में द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, इस लोक में इस संसार में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा हम देखेंगे निष्ठा शब्द का क्या अर्थ है, मया मेरे द्वारा कही गई है पुरा प्रोक्ता पहले कही गई थी। कंसेप्ट कौन सी दो है, सांख्या नाम ज्ञान योगे न, योगी नाम कर्म योगे न, सांख्य योगियों की जो निष्ठा थी वो ज्ञान योग की निष्ठा से, और योगियों की कर्म योग की निष्ठा कर्म योग से होती है ऐसा का। यानी कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, लोकेस्मिन इस लोक में, इस लोक में संसार में पृथ्वी पर द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा यानी क्या, स्थिर बुद्धि स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड मेंटल अप्रोच इसको कहते हैं निष्ठा, साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कन्विक्शन मन में अच्छी बैठी हुई धारणा इसको कहा निष्ठा। कहते हैं इस लोक में दो प्रकार की स्थिरता, ये बुद्धि का गुण है, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर माइंड, एक चीज है उन्हें अच्छी तरह उस बात को हमने अच्छी तरह समझ लिया, जैसे हम मनुष्य हैं इस बात में कभी हमारे मन में कोई एक संशय नहीं होता, इसको कहते निष्ठा, हमारी निष्ठा है कि हम, मैं सन्यासी हूं तो ये निष्ठा हो गई और उसके अनुसार मैं कर्म करता हूं,
हमारे मन में कि कई बातों के में बुद्धि से जो दृढ़ निर्णय हो जाते हैं, निश्चय हो जाते हैं, जो हमारे चरित्र के अंदर चले जाते हैं, उसको कहते हैं निष्ठा। तो कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा है, यानी दो प्रकार के मार्ग भगवान कहते हैं। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार निष्ठा यानी परमात्मा को प्राप्त करने के दो प्रकार के मार्ग, मोक्ष के दो प्रकार के मार्ग या मन की स्थिरता के दो दृष्टिकोण, ये ले लीजिए कई प्रकार अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन की। पूरा, पूरा यानी पहले, तो पहले यानी इसके पहले वाले श्लोक चैप्टर में ये भी अर्थ हो सकता है, नहीं पहले वाला चैप्टर तो अभी समाप्त हुआ। भगवान कहते हैं पहले यानी पुरातन काल, 500,000, 2,000, 5,000 साल पहले मेरे द्वारा मैंने कहा है पूरा प्रोक्ता। पूरा यानी इस श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक में नहीं, इसके भी पहले यानी शास्त्र में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, दो प्रकार के एटीट्यूड बताए गए हैं, दो प्रकार की दृढ़ निष्ठा बनाई बताई गई। कौन सी? सांख्यानाम ज्ञान योगेन निष्ठा। जो सांख्य योगी है उनकी ज्ञान योग की निष्ठा, और जो कर्म योगी है उनकी समत्व योग की कर्म योग की निष्ठा। यही बात इसके पहले वाले चैप्टर में कही गई है, उसी को भगवान रिपीट करके क्लियरली बता रहे हैं कि देखो दो अप्रोचेस, दो मन के दृष्टिकोण है, उसको समझ लो। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी कर्म करते हैं, लेकिन ये मान के करते हैं कि हमारा शरीर कर्म कर रहा है, मन नहीं कर रहा, हमें आत्मा नहीं कर रही, आत्मा मरती नहीं है, कर्म नहीं करती है, इस प्रकार के दृष्टिकोण से कर्म। दोस्तों और ज्ञान योगी स्वामी विवेकानंद ने चार योग बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। चारों पुस्तकें हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ी होंगी उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उसमें ज्ञान योग में कर्म की बात नहीं कही गई, वहाँ यही बताया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर हो, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, अजर अमर हो, पूरी बड़ी किताब, इसमें करीब 10-15 चैप्टर्स। उसके बाद यह मन बात पूरी तरह मन में दृढ़ हो गई। कुछ एटीट्यूड, कुछ लोग ऐसे ज्ञानी होते हैं वो इस बात में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उसके बाद संसार में जो भी कर्म करना है वो कर पाते। तो ये है सांख्य योगी यानी ज्ञान योगी। लेकिन जो कर्म योगी हैं उनको ये बात नहीं समझती, क्या आत्मा क्या परमात्मा ये सब समझ में नहीं आता। अरे शरीर, हम तो शरीर है, इसलिए भगवान ने सेकंड चैप्टर में ही पहले बात कही गई थी, उसी बात को भगवान यहाँ पे क्लियरली बताते हैं। ये निष्ठा से यहाँ पर वही एटीट्यूड की बात कहते हैं, तो कहते हैं कर्म योगियों की कर्म योगे ने योगी नाम। जो कर्म योग के द्वारा जो निष्ठा होती है वो योगियों यानी कर्म योगियों की। ये दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले भी बताई। अब इसके ऊपर भगवान आगे पहले भी कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता रंजने, और उसके बाद समत्वम योग उच्चते, सुख दुख में समभाव से रहकर कर्म करना, ये हुआ योग निष्ठा। और मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, अजर अमर हूँ, शरीर मरने वाला है, ये हुआ सांख्य निष्ठा। अब कहते हैं यहाँ पर मतभेद आता है, हम मतभेद में पढ़ने की जरूरत नहीं। शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म योग जो है वो स्वतंत्र साधन नहीं है, कर्म योग से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि के द्वारा हम ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। पहले कर्म योग करें, उसके बाद सांख्य योग में आना पड़ेगा और उसके बाद मुक्ति होगी। भगवान ऐसा नहीं कहते। और महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि यह व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर करता है, आपके लिए कौन सा योग ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने चार योगों का वर्णन किया है और बड़ा सुंदर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये चार उपाय हैं मोक्ष के, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। इसमें से एक, दो, एक के द्वारा, दो के द्वारा, अनेक के द्वारा या सब के द्वारा मिलकर आप मोक्ष को प्राप्त करो। अब अपने ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे स्वीकार करते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कौन सा उसके लिए ठीक है।
जो माताएं हैं हृदयवान है उनको भक्ति योग अच्छा लगता है, लेकिन बुद्धिमान है फिलोसोफर है तो वो ज्ञान योग करेंगे। यदि कर्मयोगी है तो कहेंगे फिलोसफी मुझे समझ में आनी थी, क्या भगवान के नाम आके जाके प्रार्थना करना, मैं तो कर्म करूंगा, कर लीजिए। और कुछ लोग ध्यान योगी हैं, खूब ध्यान करना चाहते हैं। तो व्यक्ति के एटीट्यूड के अनुसार ये कर्म होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं ज्ञान योगी और एक होते हैं कर्मयोगी। एक को सांख्य योगी कहा, दूसरे को योगी कहा। योगी शब्द का अर्थ यहाँ पर कर्मयोगी लेना। तो कहते हैं लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मया नगर ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भगवान आगे कहते हैं, ये अधिकारी भेद से याद रखिएगा, सच पूछा जाए तो कर्म योग में भी ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान योग में भी कर्म आवश्यक है। जो ज्ञान योगी होते हैं, जो आश्रम में छोड़ के कर्म छोड़ के चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, लोगों से वाद विवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? वो मानसिक स्तर पर उनका सारा कर्म करते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के अधिकारी भिन्न है, ये ध्यान रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सब पूछा जाए, जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तब भी ये समस्या होती है। जब स्वामी विवेकानंद का आप राजयोग पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अभी से बैठ के मेरे को ध्यान चालू कर देना चाहिए, और जब ज्ञान योग पढ़ते हैं तो लगता है कि राजयोग कहाँ है, तो ज्ञान योग ही श्रेष्ठ। और इसलिए स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी सुद्धानंद जी थे, उन्होंने एक दिन कहा कि महाराज क्या करूं, आप जब कर्मयोग की बात कर रहे लगता है कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, आप जब ज्ञान योग की बात करते हैं तो ज्ञान योग ही श्रेष्ठ लगता है, मैं क्या करूं बताइए। लेकिन तू मुझे पूछ क्या चाहिए, व्हाट इज माय पाथ। तो क्या मैं ये तो पूछ रहा हूं आपसे, मेरा क्या मार्ग? तो क्या तू गुरु की सेवा कर, तेरा वो मार्ग। एवरी इंडिविजुअल हैज ए पाथ, स्पेसिफिक पाथ, भगवान यही कहते हैं। अब कहते हैं चौथा, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न। ठीक, छोड़ दीजिए। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते, पुरुषः मानव मनुष्य जीव साधक क्या है, कर्मणाम अनारंभात कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्म की स्थिति को प्राप्त नहीं करता। निष्कर्म निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। न च संन्यासनादेव, और केवल संन्यास से कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। भगवान यहाँ पर कर्म का महत्व बता रहे हैं, हम लोग सभी उसी श्रेणी में आते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कर्म को त्याग करके, बड़े झमेला है ना घोर कर्म, घोर कर्म को छोड़ के और ऋषिकेश में हरिद्वार में किसी आश्रम में बना के रह जाओगे तो उससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो नहीं होने वाली। संन्यास मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। वहां पर जाओगे तो वहां पे भी आश्रम बनाओगे, वहां चंदा इकट्ठा करोगे, आश्रम को साफ करोगे, यहाँ संसार में थे संसार को त्याग करके वहां गए और वहां आपने नया संसार सुना। हमारे एक स्वामी जी थे, वो सुनाते थे कि उनका एक मित्र था, बड़ा संसार में था, वैराग्य हुआ, अरे क्या बहुत झमेला है संसार में, कुछ हो गई प्रॉब्लम हो गई होगी कुछ, अब तो साधु बन जाए, छोड़ के चले गए। छोड़ के गए कहीं ऋषिकेश वगैरह में जाके वहां रहने लगे कुछ दिन आश्रम में, फिर लगा इस समाज में तो बहुत बुराइयां हैं। दूसरी बार मिले थे, अरे कुछ करना पड़ेगा,
वो अंत तो गया, पहले तो छोटे संसार में थे, वो पॉलिटिक्स में चले गए, राजनीति में पड़े गए, घोर संसार में पड़े। तो हमारा मन हमारे साथ छल करता, और भगवान इसलिए कहते हैं कर्म को त्याग मत करो इतनी आसानी। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, किसी कर्म जो है वो अचानक त्याग नहीं करना चाहिए। अगर अचानक करेंगे तो जैसे एक नारियल का पेड़ है और नारियल के पेड़ के छिलके को अगर आप खींच लोगे तो वो चीर देगा, लेकिन जब पक जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा। पत्ता जब पक जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा, पूरा जब पूरा पक जाएगा तो अपने आप फूट जाएगा। उसके पहले आप अगर चीरा लगाओ उसके तो वो उल्टा काम हो जाए, बिना पके हुए चीरे को उसको नहीं लगा सकते। तो इसलिए कहते हैं न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्य, ये नैष्कर्म क्या है? एक ग्रंथ है, शंकराचार्य के शिष्य थे सुरेश्वराचार्य, वो बहुत विद्वान थे, मंडन मिश्र उनका नाम था पहले, और शंकराचार्य उनको हराया था, उसके बाद में उनके शिष्य हुए उनका सुरेश्वराचार्य। हम लोगों की पूरी संप्रदाय के आचार्य भी सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य ने एक पुस्तक लिखी है नैष्कर्म सिद्धि, बड़ी विद्वत्तापूर्ण टेक्निकल किताब है नैष्कर्म सिद्धि। निष्कर्म नैष्कर्म्य यानी निष्कर्म, कर्म नहीं, ऐसी स्थिति की जहां पर कर्म नहीं होता उसको कहते हैं नैष्कर्म्य। इसके अलग अलग परिभाषा की, शंकराचार्य के अनुसार नैष्कर्म यानी ज्ञान में प्रतिष्ठित, मैं आत्मा हूं, आत्मा से कर्म का क्या लेना देना। दूसरा मीनिंग है कर्म राहित्य, ऐसी स्थिति की व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सके, स्वामी श्री रामकृष्ण की हुई थी। श्री रामकृष्ण कर्म में ऐसे ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए कि उसके बाद में कर्म करना चाहते थे। याद रखिए ये जो कर्म की बात यहाँ पर गीता में आती है उसमें कई कई बातें हम उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं, लेकिन वो होते हैं कर्मकांड, हमारे नियम इत्यादि। जैसे श्री रामकृष्ण, तो श्री रामकृष्ण की माता की मृत्यु हो गई, माता जी की अपने चंद्रामणि देवी की जब मृत्यु हुई तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो तर्पण करे। श्री रामकृष्ण ने जब जल लिया हाथ में तो जल उनका हाथ खुल गया, जल गिर गया, क्या हुआ? कहते हैं इसको गलित हस्त, हाथ जो है वो ऐसा हो गया कि तर्पण कर ही नहीं सके। ये हुआ ठीक ठीक नैष्कर्म्य, ज्ञान में ऐसे प्रतिष्ठित कि जो हमारे स्वधर्म है, जो कर्म है, उनको भी नहीं कर पका पाते, प्रयत्न करते हुए भी नहीं करते कर पाते, इसको कहते हैं नैष्कर्म। तो ऐसी स्थिति जब कर्म पूरी तरह छूट जाए। तीसरा अर्थ है इसका, कर्म तो करें पर यह नहीं लगे कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। एक इंजन बहुत सारा ट्रेन को चला के ले जा रहा है, लेकिन चलाता तो ड्राइवर है। आमी यंत्र तुमी यंत्री, मैं यंत्र हूँ प्रभु तुम यंत्र हो, जैसा चलाते हो वैसा चलता। एक कल जो अपन वहां गए थे भजन हो रहा था, उसने कितना अच्छा भजन गाया था वो, कि प्रभु तुम कर रहे हो, लोग बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ काम होता चला जा रहा है, बढ़िया होता चला जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इतना सुंदर भजन है उसका, आप करते हो आप, मेरा नाम हो रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सब जानते हो उसको, मैंने पहली बार कल सुना हुआ। वही है, भगवान करते हैं लोगों का नाम, वो कहता है कि मैं तो नहीं करता, भगवान कर रहा हूँ। तो सारा काम कर रहे हैं लेकिन ठीक ठीक लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये दो तीन अर्थ हुए, ऐसी स्थिति कि कर्म का रहस्य ज्ञान इतना प्रखर हो जावे कि जगत प्रपंच असार लगे, मिथ्या लगे, कर्म करने की इच्छा नहीं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिया आता है एक अवस्था ऐसी आई, वो कहते हैं कि अब मेरा कर्म छूट रहा है, कर्म करने की मेरी इच्छा नहीं, जो करता था वो नष्ट हो गया, जो प्रीचर था, प्रचारक था, समाज सुधारक था, वो नष्ट हो गया, अब एक बच्चा बचा है जो श्री राम कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी सुंदर सुंदर बातें सुना करता था, बाकी सब नष्ट। बड़ा सुंदर एक लेटर है स्वामी विवेकानंद का। ऐसी स्थिति
जब लगता है कि मैं कौन करने वाला हूँ, ये जगत बिल्कुल मिथ्या आसार है, व्यर्थ है, इसके लिए इतना झमेला क्यों, ये निष्कर्ष। और फिर तीसरी बात है, जैसा कि कर्म कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। और चौथा, बिल्कुल कर्म छूट जाए जैसा श्री रामकृष्ण। तो निष्कर्म के कई अर्थ होते हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं कि निष्कर्म क्या कहना, श्री राम कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कर्म कब छूटते हैं, वो कहते हैं जब भगवान का नाम एक बार लेने से आंखों में आंसू बहने लग जावे, रोमांच होने लग जावे, तब समझना कि ऐसे व्यक्ति से कर्म नहीं होगा। आप लोग जानते हैं ना, आप लोगों ने कुछ कहानियां सुनी है, एक हनुमान दास या कोई दास थे, भगवान दास, वो संतरी थे रात को, भगवान के भगवान राम के भक्त थे, और रात को कीर्तन निकलता था तो वो मतवाले हो जाते थे और कीर्तन छोड़ के चले जाते, अपने अपने जो गार्ड की ड्यूटी हो छोड़ के चले जाते। किसी ने कंप्लेन किया सार्जेंट को, सार्जेंट आया रात को, वो चले गए, रात को आया तो वहां देखा कि वो खड़े हैं, उसे नाम पहरा दे रहे हैं, भगवान ने आकर उनका। जब ऐसी स्थिति हो जावे कि भगवान के नाम में हमारे को सारे कर्तव्य छूट जाए, अरे आप गार्ड हो, वहां खड़े हुए हो, पुलिस के गार्ड हो और वो छोड़ के चले जाओ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्म छूट गया। तो ये होगा निष्कर्म स्थिति। एक बार भगवान का नाम लेने से जब ऐसा हो जावे तब कर्म छूट जाता है। दूसरा दृष्टांत श्री राम कृष्ण कहते थे कि जब गर्भिणी होती है, एक वाइफ प्रेग्नेंट, एक लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या है, शुरू में तो काम करती रहती है, जब आठवां महीना नौवां महीना होता है काम खत्म, बहुत कम हो जाता है, और जब बच्चा हुआ तो फिर और सारे काम नहीं करती, बच्चे को लेके रहती। इसी प्रकार से जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तब कर्म अपने आप छूट जाता। तो ये हुआ निष्कर्म का अर्थ। अब क्या कहते हैं भगवान कि न कर्मणाम आरंभात, क्या कहते हैं, संन्यासना सिद्धि, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, केवल संन्यास से काम नहीं चलेगा, ये बता रहे, जैसा कहा कि इमेच्योर रूपे यदि किया जाए तो कर्म नहीं होगा, फिर कहते हैं उसको सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म में जो बंधन डालने की क्रिया है उसको नहीं होना चाहिए। इसके लिए कर्म की चार प्रकार से कर्म हो सकता है। एक, मन में मुझे ये भाव है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर, और उसके बाद में एक कामना भी है, फल की इच्छा भी है, तो फलाकांक्षा भी है और कर्तापन का भाव भी है, ऐसा कर्म बंधन में डालने वाला है। सीधी बात, जब मैं कर्म कर्तापन पे हूं, मैं करता हूं और कर्म की इच्छा भी है, फल की इच्छा कामना है। दूसरी स्थिति हो सकती है, व्यक्ति कर्तापन है, कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं, मैं करता हूं लेकिन निष्काम भाव से करता हूं, कौन करता है, मैं करता हूं, तो निष्काम भाव से मैं करता हूं कि अब पुण्य करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े सेवा भावी थे, उतना कम कर्म किया, करता मैं करता, उन्होंने कर्ज ले लेके लोगों की सेवा की, ऐसे महान सेवक, महान कर्ता थे, लेकिन कर्तापन का भाव, एक कर्तापन के भाव से क्या होता है, इसमें भी आगे जाके फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उनके जीवन बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता, उनके बारे में हताशा आती, वो कहते हैं इतना लोगों से सेवा की लेकिन किसी ने उसको समझा ही नहीं, कोई अगर कहता है कि सामहाशय वो आपको गाली दे रहा था वो आदमी, तो कहते थे कि मैंने तो उसका भला नहीं किया, वो मेरे को भी गाली दे रहा, मतलब जितने लोगों का भला किया उन लोगों ने मुझे गाली दी, क्यों, उनके मन में कर्तापन का भाव, अगर कर्तापन का भाव ना होता, कर्तकाम किए जा रहे हैं फिर आनंद में रहते हैं, उसको लोग मैंने तो किया ही नहीं, मुझे क्या लेना देना। तीसरा है कामना है लेकिन कर्तापन नहीं है, कामना वासना मन में है लेकिन कर्म नहीं करता,
इसको भगवान आगे कहेंगे मिथ्याचार है सउच्चते। आगे आएगा छठे श्लोक में आएगा वो मिथ्याचारी होता है जो काम नहीं करता है, बचना चाह रहा, चोरी छुप कर्म के झमेले में नहीं, घोर कर्म में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन इच्छा वासना है, भोग की इच्छा है, ये होगा मिथ्याचार। मनी मन खाता है, मनी मन भोग की इच्छा करता है, लेकिन संसार से दूर रहना चाहता, फंसना नहीं चाहता, किसी तरह से चुपके से एंजॉय करना चाहता, दिस इज वेरी बैड। चौथा है कामना भी नहीं है, कर्तापन भी नहीं है। जब ये नहीं होता तब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, सिद्धि समाधि गच्छति। सिद्धि यानी क्या होता है, ज्ञान निष्ठा कह दीजिए, यहां तो कहा है सांख्य निष्ठा। सांख्य में या कहीं भी ज्ञान में अव्यक्ति जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अच्छा अब आगे चले, अब प्रश्न ये है कि कर्म को छोड़ ही देना, जैसा कहा ना अभी मैंने कहा चार एटीट्यूड है, कर्म को छोड़ दे झमेला में नहीं पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। पांचवा यानी पहली बात तो यह है कि उसको छोड़ने से तुमको कोई लाभ नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि उसको आप प्रैक्टिकली छोड़ भी नहीं सकोगे, नहीं क्षणमपि, नहीं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजै गुणैः। क्या कहते हैं, कश्चित नहीं, कश्चित कोई भी व्यक्ति, नहीं ही यानी निश्चय रूप से, हम कहते हैं ना है ना ऐसा होता ही है, हम लोग जोर भी देते नहीं शब्द का उपयोग जहां जोर देने, कश्चित ही कोई भी व्यक्ति जातु यानी किसी भी क्षण में क्षणमपि अकर्मकृत न तिष्ठति, क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए चुपचाप नहीं रह सकता, रात को सोते हुए भी दिल धड़कन चलता रहता है, स्वप्न देखते रहते हैं, आपका खाना पीना डाइजेशन होता रहता है, सांस चलता रहता है, कोई न कोई कर्म है, वो सदा शरीर कर्म करता रहता है, मन भी कर्म करता रहता है, कभी बिरले हमारी नींद आती है, गहरी नींद आती है, तब मन शांत रहता है, खुश रहता है, चुपचाप बैठना इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस किया कभी किसी ने, हम लोग जानते नहीं, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, चुपचाप बिना हिले डुले कहीं बैठना इतना आसान नहीं, पड़े रहना सोना भी आसान नहीं है, चार छह घंटे आप सो जाओगे, किसी दिन इच्छा हो कि आज नहीं जाएंगे काम, हम पड़े रहेंगे घर में, तो भी थोड़ी देर बाद उठेंगे, उठ के थोड़ा ये करेंगे वो करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, कमरा साफ करेंगे, कपड़े धोएंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता, चुपचाप बैठना इतना आसान नहीं। हिमालय में चले जाएंगे, मैंने कहा ना वहाँ पे भी आश्रम बनाएंगे, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू अगर छोड़ के जाएगा तो जंगल में जाके वहाँ पे हिरण को मारेगा, जानवरों को, शेर और हिरण का शिकार करेगा, तेरा तो स्वभाव है, कहीं से भाग नहीं सकते, तो इसलिए भगवान बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं, कश्चित अपि कोई भी व्यक्ति अकर्मकृत बिना कर्म के क्षण भर में नहीं रह सकता, क्यों, सर्वः प्रकृतिजै गुणैः अवशः कर्म कार्यते, क्योंकि सारा समुदाय समस्त सभी लोग जो हैं प्रकृतिजै गुणैः, प्रकृति के गुणों के कारण, कौन से, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के कारण अवश होकर बाध्य होकर कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, दे आर फोर्स टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति फोर्स पूर्वक कर्म करता है, आप किसी भी प्रकार से बैठे नहीं रह सकोगे, और उसके बाद में फिर कहेंगे, इसको हम देखेंगे, मिथ्याचार स उच्यते, जो व्यक्ति कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
यहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। क्या कहा है? यह जो व्यक्ति कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को तो संयम किया, हाथ पैर को संयम किया, बोलेंगे भी नहीं, कुछ नहीं, काम वाम नहीं करेंगे, ये काम हमें झमेले का है, घोर है। और क्या है? मन से, मन ही मन क्या करता है? इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों के अर्थ यानी विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, खाने की चीज और कपड़ा बढ़िया, उधर उधर घूमना फिरने की इच्छा है, वो सब मन ही मन सोचता रहता है, मन के लट्टू खाता रहता है, इधर कर्म नहीं करना चाहता है, फंसना नहीं चाहता है। वह क्या है? विमूढ़ आत्मा, वो मूर्ख है। विमूढ़ आत्मा यानी उसका मन जो है वो मूर्ख है, विमूढ़ है, समझता नहीं। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार है, वो हिपोक्रेट, वो मिथ्याचारी है, मन ही मन तो भोग करना चाहता है, बाहर से दिखाता है कि वो साधु, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। हमारे महाराज जी, स्वामी जी सुनाया करते थे, देखिए एक गोपेश महाराज करके बहुत बड़े संत हो गए, रामकृष्ण मिशन के वृंदावन में बाद में रहते थे, शारदेशानंद जी, सारा जीवन उन्होंने तपस्या में जीवन बिताया, कठोर तपस्या, भिक्षा मांग के खाना, ध्यान जप करना, उच्च कोटि के साधु थे। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो बाकी कर्म अधिक नहीं किया उन लोगों ने मिशन में, शास्त्र अध्ययन या फिर भिक्षा मांग के तपस्या, नाम जप भगवान का किया, तो वो उधर उत्तरकाशी वगैरह में उधर कहीं घूम रहे थे अपने मित्र के साथ, अपने दूसरे स्वामी जी के साथ, जो दूसरे स्वामी जी थे वो हमारे गुरु थे, शिक्षा गुरु, उन्होंने हमको उपदेश दिया, शास्त्र वगैरह पढ़ाया। तो कह रहे थे एक बार मैं गोपेश महाराज के पास सामने जा रहा था, तो हमने ध्यान दिया, एक कोई बाबा जी वहां बैठे हुए थे, कुछ ऐसे ही लेटे हुए थे, देखा कि हम कोई आ रहे हैं तो चुपचाप जल्दी से आकर बैठे, ध्यान करने बैठे। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा जी, अरे हम भी बाबा जी हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, चिंता मत करो, बाबा जी दूसरे बाबा जी को समझता है। तो ये बताने के लिए मिथ्याचार, कामना वासनाएं तो हैं लेकिन दिखाते हैं, कर्म नहीं करेंगे तो मन ही मन जाएगा। और याद रखिए, मैं तो साधु, मैंने अपनी बात बता दी, साधु लोगों में होता है, स्वामी विवेकानंद ने कह दिया है कि जो लोग धर्म में आते हैं उसमें 85% जो है वो हिपोक्रिट हो जाते हैं, मिथ्याचारी हो जाते हैं। एक स्टेज से हम निकलते हैं जब हम मिथ्याचारी होंगे ही, क्योंकि हमारा मन में भी तो शुद्ध नहीं हुआ ना, तो हम प्रयत्न कर रहे हैं, बाहर से हम चरित्र को, जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मन पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ। तो एक स्टेज में प्रत्येक साधक मिथ्याचारी होता है, इसको हमें स्वीकार करना है। हमने स्वीकार किया, आप लोग भी अपने आप को, हम दिखते तो अच्छे हैं, यहाँ से भारत से बाहर समाज देख लीजिए ना, कैसा समाज चल रहा है, ये दुर्भाग्य है। श्री राम कृष्ण कहते थे, मन मुख एक कीजिए, जैसे भीतर हो वैसे बाहर होना, ये श्री राम कृष्ण के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज है, मन मुख एक करना, यानी जैसा मैं बोलूं वैसा मैं करूं, जैसा मैं करूं वैसा मैं सोचूं, मन और मुख दोनों एक होना चाहिए। माय कैरेक्टर एंड कंडक्ट बोथ मस्ट बी ट्रू, दोनों एक से कहा। कंडक्ट तो बहुत अच्छा, आचरण बहुत अच्छा, लेकिन चरित्र ठीक नहीं, इसको कहते हैं मिथ्याचार। तो भगवान यहाँ पर छोटी सी बात कहते हैं, लेकिन ये मिथ्याचार एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा एक समस्या है, जो हम सभी साधकों को उसके भीतर से पास करना पड़ता है। इससे आगे की चर्चा हम करेंगे, कल करेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंसचानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।